आज नगरी आए डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने गठबंधन के बागियों को टिकट देने के साफ संकेत दे दिए हैं। उन्होंने गठबंधन के बागियों का भाजपा नेताओं से संपर्क करने की बात कही है। बागियों को टिकट देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि भाजपा सिर्फ उन्हीं कार्यकर्ताओं को टिकट दे सकती है जो भाजपा की नीति और विचारों को मानते हैं। गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि आज लोहिया जी की आत्मा भी दुखी होगी कि उनके विचारों को मानने वाले ऐसा कर रहे हैं। मैं मानता हूँ कि मुलायम सिंह भी इस बात से दुखी हैं और कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। एक गठबंधन की सूचनाएं आज समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई हैं। ये नेताओं का बंधन है, कार्यकर्ता इससे मुक्त हैं और कार्यकर्ता आज लगाए हुए भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के द्वार खुले हैं। जो लोग राष्ट्रीय परिपेक्ष में हमारी नीति और रीति सिद्धांत पर विश्वास रखते हैं, शायद आज लोहिया जी की आत्मा सबसे ज्यादा कष्ट में होगी, दुखी होगी। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि उनके मानने वाले पंच सितारी संस्कृत में उनके सिद्धांतों पर आघात करेंगे। और मुझको लगता है कि नेताजी तो शायद इतने दुखी हैं कि अभी तक उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। समझ का फेर होगा, हम तो अपनी नीति गिना रहे हैं। आप वोट बोल जाइए, 51% से ऊपर बीजेपी पाएगी।